जम्मू कश्मीर में किस तरह लगातार जो है वारदातें होती रहती हैं, लेकिन आज जम्मू में नानक नगर सेक्टर 12 में जेके बैंक है जहां पे एक मर्डर किया गया, जिस मर्डर में जेके बैंक का सिक्योरिटी गार्ड बताया जा रहा है, सोर्सेज के अनुसार जम्मू के बाहर का रहने वाला है, अखनूरवाड़ी साइड का, ये सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है, हाथ बांधे हुए और खून में लथपथ जो है आप लाश देख सकते हैं किस तरह जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर किया गया। हालांकि यहाँ पे एरिया है रेजिडेंशियल एरिया यहाँ पे और दुकानें भी हैं जो अच्छी खासी जो है, शायद सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे और इस टाइम जो है यहाँ पे पुलिस आ चुकी है, फॉरेंसिक लैब्स की टीम्स हैं और सैंपल जितने भी हैं वो कलेक्ट कर लिए गए यहाँ से, बाकी जितने भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। लेकिन जम्मू में लगातार जो है वारदातें बढ़ रही हैं, इन पर काबू नहीं हो रहा है। पिछली बार देखा होगा फ्लाई मंडाल वाली तरफ मर्डर हुआ, उसके बाद जम्मू में कितने और भी केसेस आए जिसमें जो है लगातार मर्डर हो रहे हैं। ये तो वारदातें कब तक चलती रहेंगी और इन वारदातों के पीछे किनका हाथ है और किस तरह की ये लोगों का माइंडसेट होता है जो ये वारदातें हो रही हैं, आप देख सकते हैं जम्मू कितना शांत एरिया इलाका था जम्मू कश्मीर जहाँ पे इस तरह की वारदातें कभी पहले होती नहीं थी, लेकिन अब जो है लगातार ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर बैंक के जो है यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर कर दिया गया, इनके पीछे कौन, फिलहाल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कोई भी एटीएम में जो है किसी ने छेड़खानी नहीं की है, खाली जो है यहाँ पे मर्डर हुआ है और लोग वहाँ से जो है ये किनका काम है, इसके पीछे किनका हाथ है और कितने लोग थे, ये पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिलहाल आप ये सारे विजुअल जो आपके स्क्रीन पे हैं ये जम्मू नानानगर एरिया के हैं, जो है जेके बैंक एटीएम जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको मार दिया गया। ये अभी तक किसी ने पुलिस अभी तक पता लगा रही है कि इसको किसने मारा है, लेकिन आप देख सकते हैं लाश जो है खून में लथपथ है और हाथ जो है पीछे की ओर बांधे हुए हैं, एटीएम के अंदर मार दिया गया है और आप देख सकते हैं ये लाश जो है सारे विजुअल्स आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर बैंक नानक नगर सेक्टर 12 में ये बैंक है, जम्मू कश्मीर एटीएम जो है इसका सिक्योरिटी गार्ड था, यहाँ पे कुछ लोग आए उन्होंने जो है इसको मार दिया। अब कैसे आए, क्या इनको आपस में कोई रंजिश थी या लड़ाई थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड जो है उसे मार दिया गया है, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, जम्मू कश्मीर बैंक में एटीएम में जो है कैमरे लगे रहते हैं, क्या वो कैमरा वर्किंग में थे, अगर वर्किंग में थे तो पुलिस का जो है बहुत मदद मिल सकती है वहाँ से, जो ये लोग जिनने ऐसा काम किया, जिनने इतना गलत काम किया कि जम्मू कश्मीर बैंक का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसे मार दिया। एक इंसान को मारना जो है कितनी, उसके लिए कितना जिगरा चाहिए, कितना बड़ा दिल होना चाहिए, इतना जो है किसी की जान लेने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरह जो जम्मू कश्मीर में लगातार ये वारदातें हो रही हैं, ये वारदातें पहले भी हो रही थी लेकिन बहुत कम तादाद में, अब जो है लेकिन हर दिन एक न एक ऐसी वारदात हमारे सामने आती हैं कि हम जो है हैरान रह जाते हैं कि इस तरह के लोग जो है कहां से आते हैं, कहां से इतना जिगरा लाते हैं कि किसी इंसान की जान ले लेते हैं। लेकिन आज अब देख सकते हैं इतनी रात जो है यहाँ पर हुई है, यहाँ पर लोग अब देख सकते हैं सड़कों किस तरह हैं, पुलिस भी आ चुकी है और FSL टीम भी जो है यहाँ पर है, अभी इन्होंने सारे जितने भी ये प्रोसीजर करते हैं सारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेके गए हुए हैं, हो सकता है कैमरे की CCTV फुटेज जो है वो रिकॉर्ड हुई हो और उससे जो है पता चल सकता है, पुलिस को बहुत बड़ी मदद मिल सकती है जिन्होंने ये कत्ल किया हुआ है।